श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए सोमवार के ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप रोग मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, परीक्षा या कोई भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए 7 सोमवार के उपाय करके दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आपको सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी एक घी का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। इस घी के दीपक में आपको गोलबाती का उपयोग करना है। जैसे आपने भोलेनाथ के मंदिर में दीपक लगाकर भोलेनाथ का मंदिर रोशन किया है, वैसे ही भोलेनाथ आपके जीवन को रोशनी से भर देंगे। बढ़ते हैं सोमवार को किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। सोमवार के दिन आपको एक बेलपत्र अर्पित करके शिवलिंग पर एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी का बताया एक ऐसा उपाय है जिसे हर शिव भक्त करता ही है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। धन प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन कमल गट्टे वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करें, मतलब कमल गट्टे को जल में डुबोकर निकाल लें या फिर कमल गट्टे को जल में डूबे ही रहने दें और वह जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। रोग मुक्ति के लिए एक रुद्राक्ष लें। एक रुद्राक्ष को एक कलश जल में डुबोकर निकाल लें। इसके बाद इस जल को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दें। इसके बाद जलाधारी से नीचे आ रहे जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करें, औषधि रूप में प्राप्त करें और उस जल का आचमन करना शुरू करें। बड़ी से बड़ी बीमारियों में लाभ मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। आपसे बन सके तो सोमवार के दिन दूध या फिर दही या फिर पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद 2-3 कलश साफ जल डाल के शिवलिंग को अच्छे से स्नान करा दीजिएगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा कर देते हैं। बढ़ते हैं छठे उपाय की ओर। सोमवार के दिन भोलेनाथ को धतूरा या फिर शमी पत्र या फिर अभीर या फिर एक अक्षत, मतलब एक चावल का दाना जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ पर अर्पित की गई एक भी चीज का जो लाभ होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह आपको इसी जीवन में कभी ना कभी जरूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं सोमवार के 7वें और अंतिम उपाय की ओर। सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजन आप अपने घर में ही करें। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पार्श्व शिवलिंग का निर्माण करना है और पूरे घर के लोगों से उसमें अभिषेक करवाइए, उसमें जल अर्पित करवाइए। इसके बाद शाम को उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आप कोई भी नदी या सरोवर में कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। शॉर्ट में मैंने आपको 7 उपाय अच्छे से समझा दिया है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।